कौन सी ईयर में ग्रेजुएट हुई हो तुम? बता दे अब सच। 2001 में ये दैट वाज द ईयर यू पास्ड। 2001 आफ्टर 4 इयर्स ग्रेजुएशन आई क्लियर्ड। 4 इयर्स। 4 इयर्स करने के बाद 2001 मैं 3 इयर्स ग्रेजुएशन करने के बाद 2006 में पास आउट हुआ था। ओ भाई। हेलो। वेलकम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज सुबह उठते ही मुझसे नीति ने एक सवाल पूछा है, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो पहले मैंने अभी दिखाया था कि मैं बाहर गया था, तो ऐसे ही रोज़ मुझे एक बार तो बाहर जाना पड़ता है, दो बार, सुबह लैला को वॉक कराने और रात को फिर से लैला को वॉक कराने। रात को हम लेट नाइट, रात नहीं होती हमारी, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे होती है। तो जब मैं काम वाम ख़त्म करता हूँ और लैला का भी टाइम सेट हो चुका है और दोपहर को हम उठते हैं 12-1 बजे, तो एक बार इसको ले जाना पड़ता है और जो कपड़े पहने हैं फिर वो वापस आके पूरे बदल के नहाना पड़ता है। मतलब दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ अ सिंगल अभूखी लड़की। ओए किचन के अंदर आउट, चलो चलो, ये तो तेरे मजाक हो गया। जैसे ही कैमरा ऑन करूँ ना बिगड़ जाती है। मेरे को लगता है इसको पता लग गया तुम्हारे पे चली गई है। इसको पता लग गया कि भैया कैमरा इज ऑन, अब ज़्यादा कोई नहीं कुछ बोलेगा मुझे। What do you want? अच्छा आज हम कौन से अंडे खा रहे हैं? आज भाई साहब जो आपकी मतलब श्रद्धा हो। हाँ। तो नीति को पसंद है कौन से वाला? गोली। गोली वाला अंडा। और मुझे पसंद है देसी ऑमलेट। वैसे मुझे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल भी पसंद है। जैसे मैं चीज़ वीज डाल के बनाता हूँ, बट आज आई थिंक आई लाइक टू हैव। हाँ तेरा चीज़ वाला टोस्ट बना रही हूँ। वेरी गुड। ये क्या तरीका है टोस्ट बनाने का? ये ना वो अंदर है ना। उई ओ भाई ओ यार जो ज्यादा शाने बनते हैं ना। मुझे क्या पता तूने अंदर भी ब्रेड डाली हुई है। तो अंदर ब्रेड होती है वो गर्म होता है तभी तो वो मेल्ट होगा। माय गॉड ललिता, तभी लैला के कान खड़े हुए हैं कि चीज की तो खुशबू आ रही है भाई। तेरा ऑमलेट बनाने जल्दी चल पीछे। तो लैला को ब्रेड ज्यादा अलाउड नहीं है। डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इसको दिन की मतलब मुश्किल से आधी ब्रेड दे सकते हो, बट डॉक्टर की सुनता कौन है। तो ये दिन की हमसे मतलब एक दो छीन ही लेती है कुछ भी करके। खाने में अगर इसके ब्रेड नहीं डाली तो ये खाना नहीं खाएगी, और जब हम कुछ खा रहे हैं तो इसकी आंखें कुछ ऐसी हैं कि आप यू कांट रिजिस्ट। तो बट ये हेरी डॉग है, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेड रोटी ग्रेन थोड़ा कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, बाल ज़्यादा गिरते हैं। थोड़ी सी कुकिंग देखो फिर बताते हैं कि जो इसने मुझसे सुबह सवाल पूछा ना, इसको याद भी नहीं होगा, ये बहुत सवाल पूछती मुझे सुबह उठते ही। बट एक स्पेसिफिक सवाल है ये, स्पेशली ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन ज़्यादा पूछ रही है। तो अभी करते हैं अखबारों में। एक आइडिया लग गया मुझे। क्या? वही जो मैं पूछ रही हूँ से। क्या? कि मैं श्रिंक हुई हूँ। सवाल है कि क्या मैं श्रिंक? वही इसी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आई अप्रिशिएट दैट। आई एम अ स्मार्ट गर्ल हनी। पहले शर्म आती है दूसरों के खाने पे नजर डालने वाले, वो क्या बोलते पता है? सिखाया किसी ने? फूड ब्लॉगर बोलते हैं। क्या है? सुन रहा हूँ, कान लगाया हुआ। सब्जी वाला लग रहा है। इस साइड से आ रही है आवाज़। गली से। जाऊँ फिर मैं? मेरी क्या डॉल्बी साउंड की वो लगाई हुई है मैंने कान में मशीन, हैं कि कौन से राइट साइड लेफ्ट साइड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से आ रही है आवाजें। पबजी की तो तेरे को बड़ी सुनाई रही है। तो गोली के बाद तेरे को इतनी दूर से पता चल रही है कि कौन से
इलाके से आ रही है, मेरे सब्जी वाले की बात ही पता चल रही। आज लो आलू लो प्याज लो कह रहा है, आलू लो प्याज लो, अपना खाके इसको डालो, मैं जा रही हूं। यार इसको क्यों तू बिगाड़ रही है, ये तो फिर ऐसे रोज करेगी, ये तो ऐसे रोज करेगी कि भैया ये तो कर रही है, तू नहीं इसको बिगाड़ा है, खाना ही नहीं खाती, जब तक हम कुछ खा रहे हैं वही इसको खाना है। हो गई तैयार हमारी आर्मी, ना मानूंगी मैं हार, कहां है मेरा दूसरा गान, हमारी आर्मी भाई। नैला घबराओ मत, मम्मी सब्जी लेने जा रही है। It is a task. It is a big task. दैला का अंडा बन रहा है। ऐसा लग रहा है पत्थर तोड़ के आई है। हाँ भाई मैं जितने पैसे बाहर पड़े ना सारे ले गई, वो भी कम हो गए। सब्जियों और रेट्स स्काई रॉकेटिंग मैन, अनकट डायमंड्स। बाबा जा लंगड़ा तो खा ला, ताडे वरदा नहीं आगा सोजी लंगड़ा तो तू ही खाओ। बताओ तुम मुझसे आजकल कैसे कैसे सवाल पूछ रही हो? मेरे तुमसे सवाल बड़े प्यार वाले, प्यार वाले सुंदर। एक टाइम था शुरू शुरू में जब हम डेट करते करते साथ रह रहे थे, थोड़ा थोड़ा वीकेंड्स पे मैं इसके साथ ज़्यादातर होता था, तो मैंने तब नोटिस किया कि ये अपने आप से बातें करती है। उस टाइम मुझे ये राज पता लगा क्योंकि मेरे को आवाज़ें आती थी बाथरूम से और किचन से, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी से फ़ोन में बातें कर रही है। तो हो सकता है उस समय मैंने सोचा भी हो कि यार ये किससे बातें कर रही है फ़ोन पे, फिर देखा कि फ़ोन तो मेरे साथ ही पड़ा है बाहर ही, तो मुझे डर लगा शुरू शुरू में। मैंने इससे पूछा, इसने बोला मैं अपने आप से बातें करती हूँ, सेल्फ सूदिंग टाइप, मेरे को अच्छा लगता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने बोला ओके। और धीरे धीरे अब इतने साल हो गए हैं तो अब तो कहीं से कोई आवाज़ आ रही कुछ आ रही, अब ये आता है कि मैं बाथरूम में होता हूँ और ये स्टोर से आवाज़ मार के मुझे कुछ बोल रही होती है, मुझे लगता है ये अपने आप से बात कर रही है। और उसके बाद उसकी डांट मुझे खानी पड़ती है कि मैं तुम्हें आपसे आवाज़ें मार रही हूँ। मुद्दा अब ये हुआ है लॉकडाउन में कि क्या हुआ है इसको पता नहीं, इसने अपने आप से बातें करनी छोड़ दी हैं और वो बड़ी दिक्कत दे रही है चीज़ मुझे, क्योंकि ये सुबह उठ के या पूरे दिन में मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है, छोड़ी नहीं है बट मुझे आवाज़ें तो नहीं आ रही। कभी कभी जब तुम होते हो ना आसपास तो नहीं कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बता कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में अभी क्या फ़र्क हुआ है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? लॉकडाउन में अभी ना, हाँ तुम जब आ रहे हो ना तो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, यार मैं तुमसे थोड़ी सी बात क्या पूछ लेती हूँ, तुम तो उसका साइंटिफिक मुद्दा निकाल देते हो। मैं तुम्हें जो मुद्दे बोले हैं तुम्हारे सवालों के तुम्हारी बातों के, क्या क्या मुद्दे हैं वो तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या सवाल है तुम्हारे जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे परेशान कर रहे हैं? यार ये बैठ के ना अपने फोन पे ऐसे ट्र 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 कर रहा है, ठीक है मैं इधर उधर चल फिर करके कोई काम कर रही हूँ। फिर इतनी देर में ना एक वो होता है कि इसके फ़ोन से अचानक से एक आवाज़ आती है, कोई वीडियो चल रही है, वो बोल रहा है क्या 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 क्या, ठीक है तो मैंने इसको पूछा कि कौन है ये, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विद यू इन दैट मोमेंट, आई वॉन्ट टू फील दैट आई एम वी आर कनेक्टेड, सो वट एवर यू वॉचिंग इफ देर इज अ साउंड आई वॉन्ट टू नो हु दिस पर्सन इज। ये मेरी जो है ना स्पेसिफिक ये मेरी जगह है, ठीक है ये मेरी जगह है जहाँ मैं टिक के हमेशा बैठता हूँ और अपना फ़ोन मैंने समझो हाथ में से लिया हुआ है, ठीक है करके दिखाएंगे। उधर जा ना। कौन है? ये किसकी आवाज़ है? क्या देख रहे हो? ओवर एक्टिंग। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मुझे नहीं पता था लाइफ में कि मैं राशन पानी को लेके भी इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी। कल रात को मैंने आई हैव डेडिकेटेड 15 मिनट्स टू मेक एन एक्सक्लूसिव लिस्ट और मैंने उस लिस्ट में सारा कुछ लिखा है, मुझे क्या क्या चीज़ें हमारी कम हो रही है, हमें क्या क्या लाना है। और आई हैव अ लिस्ट विच आई हैव सेंड टू दिस बॉय ओवर व्हाट्सएप। वी जाएंगे आफ्टर आई हैव अ कप ऑफ टी। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो उनके जवाब आपने देने हैं, ठीक है? मैं कहाँ से पतली हुई हूँ कह रही है, मैं कहां से मुझे क्या पता कहां से बदली हुई है। देखो ना तुम मुझे देखते नहीं हो क्या? नहीं वेट नहीं कम हो रहा बट इंचेस लूज हो रहे हैं मेरे।
और ये चाहती है, और ये चाहती है कि मैं इंच टेप नहीं है, मैं और ये चाहती है कि मैं एक इंची टेप बन जाऊं। क्या अत्याचार है यार, अब मैं क्या, अब मैं पर्दों से या इन पेंटिंग से पूछूं? अब तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मेरे साथ रहते हो, तुम मुझे देखते हो, तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं कल ऐसी थी, मैं आज ऐसी हो गई हूं? हम्म, हम जा रहे हैं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूटने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूटने जाएगी ना, पता है वो क्या बोलेंगे? हाँ। कल आना, अभी लंच टाइम है।